नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी कोचिंग क्लासेस में। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन लेके आया हूँ। चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी हो, ये सभी पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। चलिए आज देखते हैं कुछ क्वेश्चन जीके के। देखिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन और न्यूट्रॉन, इनकी खोज किसने की थी, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने 1898 में, प्रोटोन की खोज की थी गोल्ड स्टिन ने, और न्यूट्रॉन की खोज की थी आपकी चैडविक ने 1932 में, जिसके लिए चैडविक को नोबेल प्राइज भी मिला था। देखिए अगला क्वेश्चन है, हरिका द्रोणवल्ली ये आपकी चेस की प्लेयर हैं। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि प्लेयर का नाम दे देगा और कहेगा कि ये किस स्पोर्ट्स से रिलेट करता है, तो ये चेस से रिलेट करती है, इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। चलिए, सर थॉमस रॉय ये इंग्लैंड से आए थे, किसके काल में आए थे, जहांगीर के काल में आए थे। ध्यान रखिएगा, डिज्नी ने एक कंपनी खरीदी है, एक स्टूडियो खरीदा है, आपने देखा भी होगा हॉलीवुड मूवी अगर आप देखते हो तो कभी कभी लिखा दिखता है कि 21st Century Fox, उस कंपनी को, उस स्टूडियो को डिज्नी ने खरीद लिया है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका अदर नेम है CO2, CO2 को ही सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। सलमान रुश्दी की तीन किताबें हैं, मिडनाइट चिल्ड्रन, शेम, द सैटेनिक वर्सेस, शेम, मिडनाइट चिल्ड्रन। बुक्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो कुछ सिलेक्टेड किताबें हैं ये, इनको याद, आपको जरूर याद होनी चाहिए, क्वेश्चन पेपर में पूछे गए वाले हैं। ठीक है जी, आपका अगला क्वेश्चन है कि शशि थरूर आजकल बहुत ज्यादा किताब लिख रहे हैं और बार बार इस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो एन एरा ऑफ डार्कनेस ये किसकी किताब है, शशि थरूर जी की किताब है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर रोम में है। लॉटरी प्राइस, जीएसटी रेट, देखिए जब भी कोई लॉटरी जीतता है तो उसपे भी जीएसटी लगती है, तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है कि कितने परसेंट जीएसटी लगी थी, लगती है, तो कोई भी जीतेगा तो 2.28% उस पर जीएसटी लगती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे के क्वेश्चन। सांची स्तूप ये मध्य प्रदेश में है, और ये कब खोजा गया था, ये 1818 में खोजा गया था। देखिए, अराकू वैली एक टूरिस्ट प्लेस है, यहां पे लोग घूमने जाते हैं, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। आई रिपीट, अराकू वैली। ठीक है जी, हम्पी जो है कैपिटल रही है विजय नगर की, ये कहां पे है, हम्पी कर्नाटक। ये वीडियो में पहले भी, सांची हम्पी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछता रहता है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो और भी बना चुका हूं पहले। रेपो रेट, इसको कौन फिक्स करता है, तो रेपो रेट को आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिक्स करता है। रेड वॉर्म हैव अ स्ट्रक्चर नेम, जो रेड वॉर्म होता है, लाल केंचुआ होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसका नाम क्या कहा गया है, उसको गिजाड़। देखिए, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2019 किसको मिला है, शशि थरूर जी को मिला है, मैंने अभी बताया था एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए मिला है, इनको ध्यान रखिएगा। सावित्री बाई फूले ये एक एक्टिविस्ट थी, और ये कहां से बिलोंग करती हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक में है, और कर्नाटक में कहां है, कोडागू में है, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी। गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है, इसकी नींव रखी गई थी 1913 में। गेटवे ऑफ इंडिया की जो नींव रखी गई थी वो 1913 में रखी गई थी, जो मुंबई में है। रैंक पूछी है भारत की ब्रांड फाइनेंस रैंकिंग, जो कि 7वीं नंबर पे रैंक दी गई है इंडिया को, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आगे के कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, वेनेगर जिसको सिरका बोलते हैं, इसको एसिटिक एसिड इसमें पाया जाता है, इसको एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। नंदा डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे, जिनका नाम था धनंदा। अगला क्वेश्चन है माधवपुर मेला कहां पे है, गुजरात में है। माधवपुर मेला गुजरात में लगता है। माधव, इसको याद करिए कैसे, माधव जो है भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है, उन्होंने क्या किया था, राज किया था, राजा थे। देखिए, थाइमस ग्लैंड जो कि हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स के बीच में थाइमस ग्लैंड पाया जाता है। देखिए, बोरा केव, बोरा की गुफाएं, ये कहां पे है,
अनंत गिरी हिल में है, और अनंत गिरी हिल कहां पे है, ये ईस्ट कोस्ट पे पड़ती है। कोस्ट उसको कहा जाता है जो तटीय होता है, जहां पे समुद्र और जमीन क्या होती है, मिलती है। देखिए पार्क जिसका अभी नाम है लोधी गार्डन, इसका पुराना नाम था द लेडी विंगडन पार्क। अगला क्वेश्चन है, देखिए हरियक डायनास्टी है, हरियक डायनास्टी का फाउंडर कौन है, बिंबिसार, और इसका एक पुत्र है, पुत्र था जिसका नाम था अजातशत्रु। हुएंगशांग जो है ये किसके काल में, किस राजा के काल में भारत आया था, तो ये किस में आया था, हर्ष के काल में भारत आया था। शंघाई सिटी, जो शंघाई सिटी है चाइना में, वहां पे उसके जो सिटी है वहीं पे कौन सी रिवर बगल में बह रही है, तो यांग्ज रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है हमारे भारत में, वो पब्लिश करती है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया को। तो इस सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतारिए, कुछ आगे के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए क्रूड ऑयल सप्लायर इन इंडिया, देखिए क्रूड ऑयल को हिंदी में बोलते हैं कच्चा तेल, भारत में सबसे ज्यादा कच्चा तेल इराक से आता है। अगला क्वेश्चन है किरीबात, ये एक राइस डिश है जो कि कहां पे पसंद की जाती है, श्रीलंका में पसंद की जाती है। इंटरनेशनल नर्सिस डे, जो अंतरराष्ट्रीय नर्सिस डे जो मनाया जाता है, वो किसके बिहाफ पे या किनकी याद में मनाया जाता है, उनका नाम है फ्लोरेंस नाइटेंगल। तो फ्लोरेंस नाइटेंगल जो है उनकी याद में इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। चलिए अगला है कि वर्ल्ड हाईएस्ट पोलो ग्राउंड कहां पे है, पाकिस्तान में, क्या नाम है, संधूर जो है वर्ल्ड हाईएस्ट पोलो ग्राउंड है जो कि पाकिस्तान में लोकेटेड है। जिप्सम का दूसरा नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये जिप्सम का दूसरा नाम है। देखिए वीनस प्लैनेट है, आप कह रहे प्लैनेट है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस, नेपच्यून। देखिए वीनस का जो दूसरा नाम है उसका नाम है लूसीफर, ये वीनस का ही नाम है। अगला क्वेश्चन है कि लास्ट रूलर ऑफ गुप्त डायनास्टी, जो गुप्त साम्राज्य था उसका लास्ट रूलर कौन है, विष्णुगुप्त उसका लास्ट रूलर था, और ध्यान रखिएगा श्रीगुप्त जिसने महाराज की उपाधि ली थी ये इसका फाउंडर था। श्रीलंका लार्जेस्ट सिटी कोलंबो जो है श्रीलंका की सबसे बड़ी लार्जेस्ट सिटी है। 1 हॉर्स पावर जो कि बराबर होता है 746 वाट के। तो ये सारे के सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इनको प्लीज नोट कीजिए और इनका रिवीजन करते रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे लिखे हैं मैंने जो कि बार बार पेपर में रिपीट होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।